36, yes, यस foreign players प्लेयर्स खेलने वाले हैं एक टूर्नामेंट जो इंडिया में होगा आपने और रोनाल्डो के लिए इंतजार किया था लास्ट सीजन के वो आएंगे इंडिया में खेलेंगे मुंबई सिटी बट वो हो नहीं पाया बट आपकी सपना जो है साकार होने वाली है आपको गोट आपके टाइम के गोट जो हैं वो खेलने वाले हैं उस टूर्नामेंट में और वहां पे शायद काका जो कि ब्राजीलियन लेजेंड है बैलेंडोर विनर है और रिसेंटली आई सो स्पीड के साथ वो वो खेलते हुए दिखे हमें चैरिटी मैच पे आ, उन, वो आएंगे इंडिया में और खेलेंगे ह्यूज न्यूज़ ट्रस्ट मी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर टूर्नामेंट है कहाँ पे आप देखोगे कौन सी टीम है ए इसमें क्या हाथ और क्या इन्वॉल्वमेंट कर रहा है सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे so, देखिये ये जो टूर्नामेंट है ये एक फ्रेंचाइजी वेस्ट टूर्नामेंट है जिस तरीके से आई स्टार्ट हुई थी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट स्टार्ट हुई थी दस साल पहले ऐसा ही कुछ ये मॉडल लाया गया है इसमें छह से आठ जो है फ्रेंचाइजी रहेगी इसको प्रमोशन रेलिगेशन में आगे जाके बनाने का भी प्लान है बट अभी नहीं है अभी तो बस फ्रेंचाइजी वेस्ट रखेंगे और यहाँ पे लग रहा है डेढ़ से दो करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट होगी और इसमें बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं यूएई से हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लग रहा है कि यूए के टीम भी कुछ

तो कुछ पैसा बसता है नहीं है यूथ डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे मॉडल जो बोला बनाया गया है इसमें स्टार्टिंग के दो तीन साल तो इस तरीके से चलेगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे खेलेंगे स्केलेबिलिटी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी मार्केटिंग बढ़ेगी उसके बाद फोकस रहेगा उस स्टेट की उस रीजन की इंडियन फुटबॉल की यूथ डेवलपमेंट उन्होंने एकेडमी पार्टनरशिप भी कर लिया है अंडर इनेस्टा के एकेडमी के साथ पार्टनरशिप किया अंडर नो यूनो लेजेंड उनके एकेडमी है और वो एकेडमी के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है सो so, इससे पता चल रहा है कि इन्होंने सीरियसली यूथ फुटबॉल पे ध्यान देने के लिए ट्राई कर लिया है और एक लेवल अप चेन जो है स्टार्ट भी कर रहे हैं क्योंकि देखो प्रमोशन एलिगेशन स्टार्ट करेंगे तो एक चेन भी बढ़ेगी उसके अलावा दे आर ऑल्सो प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन फुटबॉल यूथ टू प्ले देयर क्योंकि इंडियन फुटबॉल यूथ को क्या क्या चांस है भाई स्टेट में खेलना है योर संतोष टोही वगैरह नेशनल्स में uh, फिर अपना क्लब में खेलना है फिर यू मतलब क्लब में खेलने का चांस है एंड अगेन इन योर आई एस एल टीम बिकॉज आई एस एल आई लीग आई लीग टू

फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल का नाम क्या है इसका नाम है केरला सुपर लीग इनको जो है कंफर्म किया है केरला सुपर लीग के सीईओ मैथ्यू ने और मीडिया वन जो कि यू नो मोस्टली उनकी यू नो टेलीकास्ट मीडिया वन में होगा और मीडिया वन ने भी ये भी कंफर्म कर चुका है कि यहाँ पे जल्टान काका काफू हल्क एंड मेनी अदर थर्टी थ्री प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले इन सिक्स टू एट टीम इन केरला सुपर लीग और वो छह टीम का नाम है, इस तरीके से रहेगा जो कि अभी तक कन्फर्म हो चुकी है वो है त्रिशूर एर्नाकुलम कोजिकोट एंड कन्नूर और बाकी के टीम भी मलापुरम के भी टीम भी पता चलेगा आगे जाके जो कि कंफर्मेशन हुई नहीं है चार वेन्यूज होगी वो है आ, कोची कोजिकोट मंजेरी एंड त्रिवंतपुरम यहाँ पे जो है मैचेस होंगे और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जैसे मैं बोला भाई यूथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सोशल मीडिया को ये बहुत ज्यादा नो एक क्रेजीनेस दिखाएगा फुटबॉल में और आई विल लव टू सी बिकॉज जितना फुटबॉल बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा इफ मैं कंपेयर करूँ आई से ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्टार्टिंग फेज वही आई स्टाइल के किया जा रहा है और टॉप टू बॉटम का अप्रोच है देखते हैं आगे जाके इस क्वालिटी ऑफ

बिजनेस परस्पेक्टिव से ये केरला को यूज कर रहे हैं ऑन द फुटबॉल डू यू थिंक आगे जाके उसमें यूथ वे भी वो फोकस कर पाएगा लेट मी इन द कमेंट बॉक्स